दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस के बारे में, और उसको कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ को। हालांकि इंडिया में जो है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस जो है लॉन्च नहीं हुआ है, उसकी जगह लॉन्च किया है ये सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ, जिसका हम कंपेरिजन जो है बहुत सारे फोन साथ में जो है कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं इन दोनों फोन में क्या फर्क है और ये फोन जो है J7 प्लस कहां लॉन्च हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस लॉन्च है इंडिया के बाहर, लेकिन इंडिया में जो है लॉन्च नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं क्या इंडिया के बाहर वाले पर्संस को जो J7 प्लस मिल रहा है, क्या वो बेटर है इस फोन के कंपैरिजन में या फिर जो है नहीं है। तो हम करते हैं दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही फोन की प्राइस की, जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ जो कि है 17,000 रुपीज का, और सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस जो इंडिया के बाहर लॉन्च हुआ है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज का। 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस के लिए। तो क्या फर्क है, सबसे मेन फर्क है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही फोन के डिजाइन के बारे में, जो कि ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ आपको मिलता है प्लास्टिक बॉडी के साथ में। आपको सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस जो वहां पर लॉन्च हुआ है वहां पर आपको मिल रहा है 5.5 इंच का डिस्प्ले मेटल बॉडी के साथ में, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है देखने को मिल रहा है वहां पर। लेकिन यहां पर हमें जो है सेम कंफ्यूजन मिल रही है, 5.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लेकिन मिल रहा है प्लास्टिक बॉडी। तो डिजाइन में जो है ये डिफरेंस है दोनों फोन के बीच में। इसके अलावा हम बात करते हैं दोनों ही फोन के रेजोल्यूशन की, तो यहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ में मिलता है 720x1280 जो कि HD रेजोल्यूशन पे काम करता है, और सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस में FHD रेजोल्यूशन जो है देखने को मिल रहा है जो कि है 1080x1920। तो यहां पर ये आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है डिजाइन और डिस्प्ले में। इसके अलावा आपको यहां पर जो है ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलती है, लेकिन फिर भी फर्क है जो कि है कैमरा। यहां पर कैमरा मिल रहा है 13MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा। सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस में मिल रहा है सेम 13MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा, लेकिन वहां पर जो है 13MP का जो कैमरा है वो वहां पर अपर्चर लेंस यूज किया गया है फोकल लेंस f1.7, जो कि अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ में यूज किया गया है फोकल लेंस f1.9। जो दूसरा वाला कैमरा है 5MP का, वहां पर जो है दोनों ही फोन में जो है अपर्चर लेंस यूज किया गया है वो है f1.9, लेकिन प्राइमरी कैमरे में जो है डिफरेंस हमें जो है देखने को मिला है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, जो कि है अपने यहां पर सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ में 8MP का फ्रंट कैमरा, जहां पर अपर्चर लेंस यूज किया गया है फोकल लेंस f1.9। सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस में यूज किया गया है 16MP का कैमरा जो कि है अपर्चर लेंस f1.9 का। तो यहां पर आपको जो है कैमरा डिजाइन में आपको जो है ये फर्क देखने को मिल रहा है कैमरा डिजाइन डिस्प्ले में, हमने देखा सारी चीजों में यहां पर जो फर्क देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं दोनों ही फोन में चिपसेट की, जहां पर सैमसंग इंडिया में यूज करता है एक्सिनोस चिपसेट जो कि यूज किया गया है सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ में एक्सिनोस का 7885, और वहां पर सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस में यूज किया गया है वो है मीडियाटेक का हेलियो P20। चिपसेट वाइज अगर कंपेयर करूं तो एक्सिनोस का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा देखने को मिलता है इंडिया में, जो कि है एक्सिनोस 7885, जहां की परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा हमें देखने को मिला। हमने कुछ फोन साथ में जो है कंपैरिजन किया है, मीडियाटेक से कंपैरिजन करते हैं तो हमें जो है एक्सिनोस का चिपसेट जो है बेटर मिलता है। बात करते हैं वेरियंट की, तो दोनों ही फोन में जो है सैमसंग ने यहां पर डिफरेंस नहीं दिया है, जो कि है 4GB रैम के साथ में 32GB का स्टोरेज, जो कि आपको वहां पर सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस में भी जो है सेम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिकेशन की, तो सारे ही कंपैरिजन में जो है डिटेलिंग जो है सेम है, कोई भी इसके अलावा फर्क जो है देखने को नहीं मिलता है। सेंसर्स वाइज आप ले लीजिए यहां पर, या फिर जो है कैमरा डिटेलिंग वाइज ले लीजिए, कैमरे के मोड्स वाइज ले लीजिए, तो वहां पर जो है सब कुछ हमें जो है सेम देखने को मिलता है। इनफैक्ट हम बैटरी की बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी J7 डुओ में भी जो है 3000mAh की बैटरी जो है देखने को मिल जाती है, और सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस में भी जो है आपको 3000mAh की बैटरी जो है देखने को मिल जाती है। तो ये था इन दोनों फोन के बीच में कंपैरिजन। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा सिर्फ ये मानना था इन दोनों फोन का कंपैरिजन के बारे में, क्या अगर वो वाला फोन 22,000 रुपए का इंडिया में लॉन्च होता तो क्या आप उस वाले फोन को परचेस करते सैमसंग गैलेक्सी J7 प्लस को, या फिर जो है 17,000 रुपए जो कि 5,000 रुपए कम है, या फिर आप इस वाले फोन को जो है परचेस करते। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके वहां पर जो है फुल HD रेजोल्यूशन मेटल बॉडी के साथ में जाना चाहिए था या फिर जो है नहीं जाना चाहिए था, क्या इंडिया में सैमसंग को वो फोन लॉन्च करना चाहिए था या फिर जो है नहीं करना चाहिए था। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था
की वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है इन दोनों फोन के बारे में, इस वीडियो के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपने हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी जो हम छोटे छोटे अपडेट्स देते रहते हैं। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी फोन स्क्रीन पर जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में।